गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ क्लास एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 9.2। बट बिफोर द स्टार्टिंग एक्सरसाइज वी आर टॉक अबाउट स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, यानी कि हम सीधे और घुमावदार लाइनों के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधी लाइनें और कर्व्ड लाइन मीन्स जो घूमी हुई लाइनें होती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सीधी रिबन खींचा हुआ है इस लड़की ने, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। बट जो ये नीचे लटक रही रस्सी, दैट्स अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो टेक अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और थ्रेड, होल्ड द स्ट्रिंग इन बोथ द हैंड्स एंड स्ट्रेच योर हैंड्स, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑन स्ट्रेचिंग। तुम किसी भी स्ट्रेटिंग या थ्रेड का एक टुकड़ा ले लो धागे का और उसको खींचो दोनों हाथों से। जब खींचोगे तो जो बीच की लाइन होगी आपकी, मतलब दोनों हाथों के जो बीच का खींचा हुआ भाग होगा, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नाउ ब्रिंग योर हैंड क्लोजर, अब धीरे धीरे तुम उसको पास लाओ दोनों हाथों को। तो व्हाट यू विल सी द कर्व लाइन, जो तुम देख रहे हो ये अब जो लटक गए हैं नीचे, दैट्स अ कर्व लाइन, यानी कि जो घूमी हुई लाइनें होती है वो कर्व लाइन होती हैं और जो सीधी लाइनें होती है वो स्ट्रेट लाइनें होती हैं। फिर लिखा है When we move our pencil along a straight edge, we get a straight line। जब हम अपनी पेंसिल को सीधी एक लाइन में खींचते हैं, जैसे हमने रखी पेंसिल, यहाँ खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तो ये सब सीधी लाइन है। ठीक है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। वी मूव अवर पेंसिल अलॉन्ग अ कर्व्ड एज, तो वी आर कर्व्ड लाइन। अब जब हम किसी चीज़ पेंसिल को अपनी घुमावदार चीज़ों से तरह घुमाएंगे तो वो हमारी घुमावदार लाइनें होंगी, जैसे ये 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 ये, मतलब घुमावदार चीज़ें कर्व लाइन कहलाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है, जैसे ये हमने खींची, तो स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉ आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से खींची जाती है। हॉरिजेंटल लाइन्स, हॉरिजेंटल लाइन्स में जो सीधी लाइनें खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हॉरिजेंटल लाइन्स कहलाती है। एंड वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स क्या कहलाती है, जो खड़ी खड़ी रेखाएँ सीधी खींची जाती हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन्स। एंड स्लैंट लाइन्स को जो तिरछी सीधी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्लैंट लाइन कहलाती हैं। ठीक है, फिर लिखा है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विथ रूलर, अब रूलर की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन खींच। सो टेक अ रूलर पेंसिल एंड वाइट पेपर शीट, आपको क्या लेना है, एक रूलर लेनी है, स्केल यानी कि पेंसिल लेनी है, और एक वाइट पेपर शीट लेनी है। फिर क्या करना है, Place the ruler on the paper sheet and keep your pencil on the zero mark the ruler। आपको उस रूलर को पेपर शीट के ऊपर रखना है अच्छे से एंड पेंसिल को जीरो मार्क से स्टार्ट करना है। यहाँ जीरो होता है रूलर से, वहाँ से खींचना स्टार्ट करना है। मूव योर पेंसिल अलॉन्ग द एज ऑफ रूलर, यानी अब रूलर के किनारे तक आपको खींचते हुए चले जाना है। You will get the straight line। अब आपको जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जो हमारी पड़ी रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, हॉरिजेंटल, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो वर्टिकल, और जो तिरछी रेखाएं होती है वो स्लैंट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सो गेट रेडी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.2। आइडेंटिफाई द एंड कलर द शेप, ब्लू फॉर कर्व लाइन एंड ग्रीन फॉर स्ट्रेट लाइन। अब जो कर्व लाइन है उसको ब्लू करना है और जो ग्रीन है, सॉरी स्ट्रेट है, वो ग्रीन कलर। अब कर्व लाइन यानी कि घुमावदार है ना, यह है घुमावदार, तो ये कौन सी होगी, कर्व लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए ग्रीन, तो ये हमारी सारी स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी खींचिए ना, तो इसमें क्या करेंगे, ग्रीन, इसमें क्या करेंगे, ब्लू, इसमें क्या करेंगे, ब्लू, इसमें क्या करेंगे, ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ब्लू, इसमें ग्रीन, इसमें ब्लू, ये कर्व लाइन है, घूमी है, ये सीधी लाइन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है काउंट द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड स्लैंटिंग लाइंस इन ईच फिगर, राइट देयर नंबर इन द बॉक्स। ये बॉक्स बने हैं, आपको इनमें काउंट करके लाइनें लिखती है। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, जो पड़ी रेखाएं होती हैं, वर्टिकल लाइन जो खड़ी रेखाएं होती है, स्लैंटिंग लाइन जो तिरछी रेखाएं होती हैं। तो अब इसमें काउंट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस मीन्स पड़ी रेखाएं, जैसे एक, वन, टू, थ्री, तो कितनी हुई हमारी, थ्री हॉरिजेंटल लाइन। अब वर्टिकल लाइंस मीन्स खड़ी रेखाएं, तो वन, टू, थ्री, फोर, यानी कि फोर। अब स्लैंटिंग लाइन जो तिरछी है, तो वन, टू, तो टू, ऐसे ही आपको इसमें देखना है।
अब पड़ी रेखा कितनी है, 1 2, तो हॉरिजेंटल कितनी है, 2। वर्टिकल खड़ी लाइन है, 1 2 3, तो 3। अब स्लैंटिंग 1 2, तो यहाँ 2, ठीक है। अब इसमें आपको काउंट करके लिखना है और इसमें आपको काउंट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 2 हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन यूजिंग अ रूलर। अब आपको हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है और स्लैंटिंग लाइन बनानी है रूलर की हेल्प से। आप रूलर लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जो पड़ी रेखाएं होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है, जो खड़ी रेखाएं होती है, ठीक है ना। आप रूलर की हेल्प से बनाइएगा, मैं आपको खाली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एंड स्लैंटिंग लाइन जो होती है आपकी, वो ऐसी होती है ना, तिरछी लाइनें, बट सीधी होनी चाहिए। रूलर की हेल्प से आप बनाएंगे, दो दो बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने एक एक बनाई, आपको दो दो बनाने की। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच द शेप हैविंग। अब ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के कौन कौन शेप आते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। एंड कर्व लाइन के कौन कौन शेप आते हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है, और क्या आता है हमारा, ट्रायंगल आता है। स्ट्रेट लाइन ही होती है ना उसमें। कर्व लाइन में कौन कौन सा आता है हमारा, एक सर्कल आ जाता है, ओवल आ जाता है, एंड एक लिख दीजिए कोई शेप जो गोला हो, यानी कि जैसे मान लिया जाए, एंड मान लिया कोन आता है, ठीक है ना। कोन ऐसे होता है, ऐसे होता है, नीचे राउंड होता है। कैप देखी होगी आपने, बर्थडे कैप हो ना, सेम प्रोसेस कोन होता है वो, ठीक है ना। ये आपके शेप्स हो गए। अब आप क्या करेंगे, मोर अबाउट 2D शेप्स ये अच्छे से पढ़ेंगे, इन सबको देखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, कौन से में, एक्सरसाइज 9.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।